जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। HAL रिसर्च और डेवलपमेंट पर स्पेंड कर रही है 2000 करोड़ रुपीस। नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और इजिप्ट को तेजस एक्सपोर्ट करने के लिए चल रही है बातचीत। इंडियन आर्मी ने बनाई स्वदेशी तौर पर हाइब्रिड एंटी ड्रोन गन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा POK हमारा है। और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने चीन में US की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन को किया बस्ट। अभी हाल ही में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में HAL के CMD श्री CB अनंत कृष्णन की तरफ से बताया गया कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और इजिप्ट ने दिलचस्पी दिखाई है और इन देशों के साथ तेजस फाइटर्स के संभावित एक्सपोर्ट को लेकर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। और जब उनसे ये पूछा गया कि अर्जेंटीना के मामले में तेजस को कैसे सप्लाई किया जाएगा जब उसमें कुछ UK ओरिजिन के कॉम्पोनेंट्स शामिल हैं, तो उस पर HAL प्रमुख की तरफ से कहा गया कि इस तरह के सिनेरियो में हम एक अलग रास्ता ढूंढेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज दिल्ली में एक खास एक्सपो आयोजित किया गया था जिसमें HAL ने भी अपने अलग अलग रेंज के एवियोनिक सिस्टम्स को डिस्प्ले किया है। तो इसी इवेंट के साइडलाइंस HAL ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया कि क्रिटिकल एवियोनिक्स और उससे संबंधित हार्डवेयर के लिए स्वदेशीकरण को प्राप्त करने की दिशा में HAL इस वर्ष R&D में 2000 करोड़ रुपीज तक स्पेंड कर रही है और HAL के पास करीब 9 R&D सेंटर्स हैं। और HAL अब स्पष्ट रूप से एवियोनिक्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स को स्वदेशी तौर पर विकसित करने पर फोकस कर रही है जो न केवल हमारे मौजूदा बल्कि भविष्य के डिमांड्स को भी पूरा करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट से ADRDE द्वारा विकसित किए गए 24 फीट के टाइप B प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप किया गया था और इसे पहली बार है जब इतने बड़े साइज के किसी प्लेटफॉर्म को इंडियन एयरफोर्स के C-17 से एयर ड्रॉप किया गया। और इस प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप करने के जो ट्रायल्स हैं वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट किए गए थे। पहले स्टेज में एयरक्राफ्ट के बाहर से लोड को इंस्पेक्ट किया गया, दूसरे स्टेज में C-17 में प्लेटफॉर्म के लोडिंग चेक्स शामिल थे और फिर फाइनली तीसरे स्टेज में इस पूरे सिस्टम को एक सिलेक्टिक ड्रॉप जोन में एयर ड्रॉप करना शामिल था। और तीनों ही स्टेजेस इंडियन एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक कंप्लीट करी जिसमें कार्गो को योजना के अनुसार ही रिलीज किया गया और जैसा हम चाहते थे वैसा ही उसे सेफली लैंड करवाया गया। और इस पूरे ट्रायल में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और ADRDE की टीम शामिल थी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि इंडियन आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉलेब्रेशन किया है और इस कॉलेब्रेशन के माध्यम से इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के कोर के अंदर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फ्यूज करने के प्रयास किए जाएंगे। और इसी पार्टनरशिप के माध्यम से इंडियन आर्मी मिलिट्री ग्रेड की 5G और 6G टेलीकॉम एप्लीकेशंस को विकसित करने की प्रोसेस में है। और ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है ये भविष्य के वॉरफेयर रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के हिस्से के तौर पर है जिसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आर्मी की ओवरऑल एफिशिएंसी को इन्हेंस किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी मिलिट्री ग्रेड के सॉफ्टवेयर को भी विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग टूल्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी शामिल रहेंगे जो कि आर्मी की इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए मुख्य रूप से होंगे। और अगर आसान शब्दों में कहें तो ये जो पार्टनरशिप है ये इस आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में इंडियन आर्मी को उसी के मुताबिक कैपेबिलिटीज देने का एक नया प्रयास है। और बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल निपुण शिरोही ने एक AI बेस्ड स्कोप को विकसित किया है जो कि हमारे ट्रूप्स को राइफल से फायर करते समय एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करने में मदद करेगा और इसके माध्यम से वन शॉट वन हिट वाली कैपेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। इस स्कोप में जो डे कैमरा लगाया गया है उसकी मदद से टारगेट्स को 300 मीटर की दूरी तक डिटेक्ट किया जा सकता है और इसका जो AI एल्गोरिथम है तो फायर करने वाले ऑपरेटर को टारगेट को एक्यूरेटली हिट करने के लिए मदद कर सकता है। हालांकि इस स्कोप का वेट कितना है तो इसके बारे में तो कोई जानकारी देखने को नहीं मिली और जो तस्वीर सामने आई है तो उसमें जो स्कोप है वो काफ़ी बड़े साइज़ का दिख रहा है तो इसलिए ये भी एक प्रश्न है कि इसको हैंडल करना कितना आसान रहने वाला है। इसके अलावा इंडियन आर्मी द्वारा एक हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम को भी विकसित किया गया है जिसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज शामिल हैं। भारत के दुश्मनों के खिलाफ अज्ञात बंदूकधारियों की कार्रवाई जारी है तो इसी बीच वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इन्हीं घटनाक्रम पर प्रश्न पूछा गया तो उनका कहना था कि जो लोग भारत में आपराधिक और आतंकी गतिविधियों के लिए न्याय का सामना करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि वे भारत आएं और हमारी कानूनी प्रणाली का सामना करें और पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हो रहे हैं तो फिलहाल उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी हाल ही में जो अमेरिकी नागरिक गुरपंत सिंह पन्नू ने इंडियन पार्लियामेंट पर हमला करने की धमकी दी थी तो उसको लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में तो इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं लेकिन इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट को हम कोई क्रेडिट देना नहीं चाहते जो कि धमकियों के माध्यम से कवरेज प्राप्त करते हैं। बाकी भारत ने इस मामले को US और कैनेडियन अथॉरिटीज के सामने उठाया है और इसी तरह से जो एयर इंडिया को धमकी देने वाली बात थी तो उस पर भी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है
कि हम ऐसे किसी भी धमकी की निंदा करेंगे और हमारी सुरक्षा एजेंसियां उचित कार्रवाई करेंगी। और पन्नू के खिलाफ मुकदमा चलाने वाले बात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि उसने हमारे कानून का उल्लंघन किया है और हमारी एजेंसियों द्वारा वो वांटेड है और एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सहायता मांगते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि अपराध किया गया है या नहीं, और हमारे मामले में मुझे लगता है कि भारत में किस तरह के अपराधों के लिए वो जिम्मेदार है इसके बारे में विस्तार से अनुरोध किया गया, और हमने भारत या फिर भारतीय राजनयिकों के खिलाफ इन चरमपंथियों या आतंकियों द्वारा की गई किसी भी धमकी के बारे में अपने भागीदारों को अपनी चिंताएं बताई हैं। इसके अलावा कतर में हमारे नेवी वेटरन्स वाले मामले पर भी अपडेट दिया गया है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि 2 सुनवाई हो चुकी है और हमने परिवारों की ओर से एक अपील दायर की थी जिसमें मामले को देखना और सभी कानूनी काउंसलर सहायता प्रदान करना शामिल है। और इस बीच हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को जेल में उन सभी 8 लोगों से मिलने के लिए काउंसलर पहुंच मिली है, और ये एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन हम नियमानुसार इसका पालन करना जारी रखेंगे और जो कुछ भी हम साझा कर सकते हैं हम करेंगे। और बाकी जैसे कि कल लोकसभा में पास हुए बिल्स में पीओके के लिए भी सीट रिजर्व की गई थी, और इसके साथ भारतीय गृह मंत्रालय ने कमेंट भी किया था कि पीओके हमारा है। हालांकि किसी ने पाकिस्तान से पूछा तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही कहा कि वो भारतीय गृह मंत्री के इस रिमार्क को खारिज करता है। तो इस पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि पीओके को लेकर हमारी पोजीशन के बारे में मुझे दोहराने की जरूरत है, और पार्लियामेंट में गृह मंत्री की स्टेटमेंट को भी क्लैरिफाई करने की कोई जरूरत महसूस होती नहीं है। पीओके को लेकर हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, हम इसको भारत का हिस्सा मानते हैं, और इसलिए इस स्टेटमेंट में किसी भी तरह के बदलाव का कोई कारण हमें नहीं दिखता है। यानी कि बात सीधी सी है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी साफ कहना है कि पीओके हमारा है। आज गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से बताया गया कि पन्नू वाले मामले पर जो यूएस ने भारत के साथ इनपुट्स शेयर करने की बात करी थी, तो इस पर विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया कि हमारी इंक्वायरी कमेटी यूएस के इनपुट्स को देख रही है, और रही बात कनाडा वाले आरोप की, तो कनाडा ने अभी तक अपने आरोपों को साबित करने के लिए भारत के साथ कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किया है, तो इसलिए इन दोनों देशों के साथ वाले मामलों को एक जैसा ट्रीट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि यूएस ने अगर आरोप लगाए तो उसने कुछ इनपुट शेयर किए हैं और उन्हीं इनपुट्स को भारत जांच रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने केवल आरोप लगाए हैं, उसने कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो इसलिए उसके साथ उसी तरह की कार्रवाई हो रही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अगले सप्ताह FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे भारत को विजिट करने वाले हैं, और इस दौरान वे भारत में सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे, और देखना यह कि भारत के पार्लियामेंट पर हमला करने की धमकी देने वाले अमेरिकी नागरिक पर किस तरह की बातचीत होती है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को AMC रडार्स के लिए इंडियन आर्मी से 580 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाला ऑर्डर रिसीव हुआ है, और बता दें कि AMC का मतलब है आर्टिफिशियल मैग्नेटिक कंडक्टर। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी 10,000 हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर अनकूल डिवाइसेस को इंडक्ट करने की प्रोसेस में है, और इन हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस की खरीद के लिए 6 दिसंबर को RFI भी जारी की गई है, और RFI के मुताबिक इंडियन आर्मी को जिस तरह के हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो 3,000 मीटर की दूरी तक सर्विलियंस करने में सक्षम होने चाहिए, और वो भी दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में। यूरोपियन मैगजीन पॉलिटिको की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अंदर और खास करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काफ़ी उथल पुथल चल रही है। याद है कि चाइना की सिक्योरिटी सर्विसेज ने अपने उन प्रयासों को बढ़ा दिया है जिससे बाहर की दुनिया के लिए पता लगा पाना लगभग नामुमकिन हो जाए कि चीन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले चीन के विदेश मंत्री, फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, तो पहले तो वो एकदम से गायब हो गए थे, फिर उसके कुछ दिनों बाद ये रिपोर्ट्स आई कि चीन ने अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को उनकी पोजीशन से ही हटा दिया है। लेकिन इस पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी भी ऐसे कुछ हाई प्रोफाइल मेंबर्स हैं जिन पर जांच चल रही है, और जिनमें कुछ ऐसे जनरल्स भी शामिल हैं जो कि चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के इंचार्ज थे, और जबकि कुछ चाइना के फाइनेंशियल सेक्टर के मोस्ट सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं, और रॉकेट फोर्स के कई सारे सर्विंग और फॉर्मर ऑफिसर्स को भी डिटेन किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एजेंसीज ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को उनके रॉकेट फोर्स के कुछ ऐसे टॉप कमांडर्स के बारे में जानकारी दी थी कि वो सभी ऑफिशियल्स वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। और रशिया के इन इनपुट्स के बाद शी जिनपिंग ने अपने रॉकेट फोर्स के टॉप कमांडर्स को भी डिटेन किया था, जिनमें क्वीन वेन भी शामिल हैं। बाकी इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट है स्पेस सेक्टर से, जहां ऑफिशियल्स की तरफ से अगले साल के लिए इसरो के मिशंस के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 6 मिशंस PSLV के हैं, 3 GSLV के, और जबकि एक कमर्शियल मिशन लॉन्च व्हीकल Mk 3 पर भी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए स्क्वाड्रन लीडर जीवा सिंह, कैप्टन एस गणेश सिंह और सूबेदार रजाब अली वीरगति को प्राप्त हुए थे, और हमारे इन सभी वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज के दिन 1971 के वॉर में बैटल ऑफ सिलहट की शुरुआत हुई थी, और आपको बता दें कि इस बैटल के साथ ऐसा पहली बार था जब भारत ने दुश्मन की धरती पर कोई हेलीबॉर्न ऑपरेशन चलाया था, और सिलहट का युद्ध करीब 9 दिनों तक चला था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि बैटल ऑफ सिलहट में
इंडियन एयरफोर्स के कौन से हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadian.in पर जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।